आजादी आन आपके समक्ष पेश कर रहे हैं, जो हमें लीडर साहस और देशभक्त बनने की सीख देता है। आज शिवाजी महाराज पलंग पर सोए हुए हैं, आगे देखिए क्या होगा। तुम कौन हो? मेरा नाम माधव जी है। माधव जी, तुम्हें पता नहीं है इस अपराध का क्या दंड होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से तुम्हें मुझे पहले एक बात बतानी पड़ेगी। वह क्या? तुम्हारी चाल ढाल से तो तुम सत्यवादी लगते हो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात। क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। तो फिर क्या मैंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी या रास्ता के पति पर डब्बा लगाया था? महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे मन में वह कौन सी बात थी? यदि आप पूछते हैं तो सुनो, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर आज उनको मरे 2 वर्ष हो चुके हैं। हमारे घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी। हमें आज 3 महीनों से पेट भर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया है। और इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सिपाही ने आकर मुझसे कहा कि तुम यदि शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। महाराज, मैं इसी लालच में पड़कर आपकी हत्या करने के लिए आया, परंतु इसी समय अचानक आपकी आंखें खुली। तुम्हें इतना कष्ट था, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे, उन्होंने अपने प्राण गवा दिए और उनके परिवार के पालन पोषण और समस्त भार आपका ही कर्तव्य था। साना जी, इसे जेल में डालो, कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मृत्यु दंड से पहले मैं एक बात की भीख मांगता। वह क्या? मैं मेरी पूजनीय माता से मिलना चाहता। अगर तुम पूजनीय माता के दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर भागना नहीं चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने पूजनीय माता के दर्शन करके जल्दी ही लौटाऊंगा। अच्छा, जाओ यही देखना। ओह, इस बालक में वीरता तो कूद कूद कर बड़ी है और अपनी माता भक्त भी है। ऐसे ही माता पिता की लाज रखे। ताना जी, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप यह क्या कहते हैं? कहते इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हो। तुम्हें पता है इसके साथ मैं क्या व्यवहार करूँगा? नहीं महाराज, इसके परीक्षा लेने के पश्चात इसे मैं मृत्यु दंड से बचाकर अपनी सेना में भर्ती करूंगा, क्योंकि यह बालक सेना में मातृभूमि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मातक के साथ इतनी दया धन्य है। तुमने आज हमारी जान बचाई है, मैं तुम्हारा आभारी रखूंगा। मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य होता है, इसमें आभारी होने की क्या बात। ताना जी, धन्य हो, ऐसे ही सेना नायकों पर हमारी भारत माता गर्व करती है। ताना जी, तुम थोड़ी देर विश्राम करो। जो आ गया महाराज। का दूसरा दृश्य आपके समक्ष पेश। ताना जी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति आघट प्रेम उमड़ रहा है। जब से उसे देखा है तब से उसी के बारे में सोच रहा हूँ। महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। मेरे सामने इस बालक का इतना साहस, इस अवस्था में उसका इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से पूरा मुगल साम्राज्य कांपता है, उसके सामने इस बालक का इतना साहस, इसमें भी क्या कोई संदेह है? महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है, इसे बुला लाओ। प्रवेश कर। महाराज, आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, मैं आपसे विदा होकर घर पहुंचा। मेरी माँ मेरी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी, उन्होंने मुझे देखा तो जैसे छाती से लगा लिया। मैंने सोचा कि यह सारा भेद उनको बता दूँ, परंतु मेरी हिम्मत न हुई। महाराज, अब मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप मेरे साथ जो करना चाहें वो कर सकते, परंतु मृत्यु से पहले मैं एक और बात की भीख मांगना चाहता हूँ। क्या? मेरी माता का पालन पोषण और समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सचमुच में क्षत्रिय पुत्र हो,
हीरो शिवाजी हीरो का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, उस परीक्षा में तुम सफल हुए हो, इससे तुम्हारा अपराध मैं क्षमा करता हूँ। आप धन्य है। तुम जिस प्रकार अपनी माँ के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो, वैसे ही मैं दुख हूँ कि रात दिन यही सोचता हूँ कि भारत माता का दुख कैसे दूर करूँ। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मातृभूमि की सेवा से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। वीर पुत्र, मैं यही आशा करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।